मुबारक हो मुबारक बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको इतला देने का वरना हम तो सोच रहे थे कि शायद शादी वाले दिन ही बताएंगे मुर्तजा आते होंगे अभी वो आते हैं तो देखते हैं क्या करना जाना भी है कि नहीं वैसे मैं तो साफ बता दूं, मेरा और मेरे बच्चों का आना तो नामुमकिन है मेरा फर्ज था आपको दावत देना आगे जैसे आपकी मर्जी मुबारक भाई आपकी बेटी की शादी है रिश्ता तय कर लिया बाकी सारे मामला तय कर लिए तो फिर मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ेगा बेटी है आपकी अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत नहीं करेंगे क्या जैसे बाप के बगैर रिश्ता तय कर लिए ऐसे रुक्सत भी कर दे ये रस्मी कार्रवाई के लिए बाप का होना लाजिम है क्या बिल्कुल ग्यारह तारीख को रुख्सती है चांदी मैरिज हॉल में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया बस बारह को वलीमा है रॉयल मैरिज हॉल में यही वक्त है जब आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है उसके बाद तो अमरीका चली जाएगी पता नहीं फिर कभी आपकी जरूरत होती है उसे या नहीं मुझे इजाजत दीजिए मैं चलती हूं खुदा हाफिज तेवर देखिए आपने अपनी बीवी के मुझे एक बात तो बताएं, यह सारी तफसील तो आपने मुझे नहीं बताई थी आपने तो सिर्फ ये कहा कि लड़का डॉक्टर है ये तो रही अमरीका जा रही कभी बड़ी की होंगी आपने उनकी नहीं बिल्कुल भी नहीं बेटा शायद जिंदगी में पहली बार मैंने उनकी मिन्नत नहीं की बहुत अच्छा किया आपने अम्मी। और ना तो, तो ना आए क्या फर्क पड़ेगा बुरी बात है बेटा ऐसे नहीं कहते क्यों ना आए वो अल्लाह करे की उन्हें अकल आ जाए और वो सिद्रा की शादी में शामिल हो जाए वरना इनके ससुराल वालों के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी आंटी तो आपकी दोस्त है नामी उनको तो पहले से ही हमारे हालात का पता है आप उनसे ज़रा जिक्र कर लें। बेटा चाहे पहले से कितना ही पता क्यों ना हो ये हाल बड़ी नाजुक है बेटा, मगर इसमें तो हमारा कोई कसूर को नहीं है ज्यादा से ज्यादा हम वो ही कर सकते थे जो हमने किया अब अगर अब्बा की मर्जी नहीं है कि वो शादी में आए तो हम क्या कर सकते हैं क्या पता वो आ भी जाए इंशाअल्लाह सब तो सेट हो गया आपका एसिडी का थोड़ा सा से सेट कर दिखाओ बहुत अच्छी लग रही काजी साहब आ गए निकाह के लिए बाय नहीं और शादी हॉल पे भी वो शायद ना हो पर ये नई बात तो नहीं है तैयार हो जाओ सब बाहर इंतजार कर बस मैं फाइनल दुपट्टे की सेटिंग कर लूं इसको इसको यू रखिएगा मैं जो है अच्छा है कि किसी ने शादी पर झूठे मुंह भी नहीं पूछा आई थी कार्ड देने तो आई थी बिल्कुल मेहमानों की तरह बस कार्ड पकड़ा दिया कि आ जाना। अबे क्यों जाता पर इतनी मेरी बेजती की थी माँ बेटियों ने मिलकर शादी के अखराज पर तो तुम्हें नहीं जाना था तो बता देते मैं भी नहीं जाता अरे रहने दे भाई जान आपने कहा बाज आना था आप ना जाते तो सज्जाद आपकी जान ना खा लेता ये बात सच है कि मैं सज्जाद के पे गया था लेकिन वहां पहुंचकर मुझे लगा कि मेरा जाना सही था इसलिए तमाम खानदान वालों को बहुत एतराज था कि चाहे कुछ भी हो बाप को बेटी की शादी पर तो होना था कमाल है, भाई जान। वालों की भी कमाल है एतराज कर रहे हैं वो तो नहीं जानते ना मुझसे कहती तो सही चलिए जबानी कहती थी इसरार करती कि तुम्हें शादी पर आना है हर सूरत में आना है तुम्हारे बगैर बेटी की शादी नहीं हो सकती है कहा उसने मुझसे ऐसे थोड़ा ये है कि बस मेहमानों की तरह इन्वाइट कर लिया आ जाना और फिर उस पर कि आ गए तो ठीक है ना आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है तो मैं क्यों जाता फिर चलो खैर अब क्या हो सकता है अब तो उसने शादी कर दी अपनी मनमानी करके तुम बाप हो तुमसे नहीं पूछा मैं खानदान का बड़ा हूं मुझसे नहीं मशवरा लिया अब कल को कुछ हो जाए तो मैं तो कह दूंगा कि बीवी देखो तुमने खुद फैसला किया था किसी से पूछे बगैर इसलिए खुद ही सही देखे ना भाईजान बड़ी बेटी को छोड़ के छोटी की शादी करती है जवान बेटी को शहर में अकेले छोड़ रखा है कमाने के लिए पता नहीं क्या करती है और क्या नहीं करती हम क्या जाने जो बोले वो बुरा एक मेरे हैं कि उनके सर से इश्क का भूत ही नहीं उतरता